परभनी जिला व शहर के सियासी रहनुमा परभनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस साबिक डिप्टी मेयर व सपा गृह नेता मोहम्मद समी उर्फ माजुलाला ने अपनी दुख्तर की शादी के मौके पर 20 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में लाया और सादगी से अपने दुख्तर की शादी अंजाम देकर एक आला मिसाल कायम की है। सैयद समी की दुख्तर सैयदा जमीला का अख्द मसूद मुल्क की मशहूर व मारूफ असरी तालीमी दर्सगाह शाहीन अकेडमी के चेयरमैन अब्दुल खदीर के फर्जंद अब्दुल मुखीत के हमरा बाद नमाज जुमा मस्जिद महबूब निज़ाम शाही में बहस नखूबी अंजाम पाया। इस निकाह के मौके पर न सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि जनूबी हिंद की रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से सियासी, समाजी और मिली शख्सियात ने शिरकत की। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सादगी से निकाह की तहरीक पर अमल करते हुए ये शादियां अंजाम दी गई हैं और ये 21 निकाह बगैर किसी लेन देन के अमल में आए हैं। परभनी MP डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, रुकन कौंसल अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जानी, साबिक MP सुरेश देशमुख, डिप्टी मेयर भगवान वाघमारे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन गुलमीर खान, कॉरपोरेटर सैयद इमरान हुसैनी के अलावा कई सामाजिक, सियासी, मिली व मजहबी शख्सियात और ताजरीन ने शिरकत करते हुए सभी जौजैन को मुबारकबाद पेश की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं भी पेश की। कांग्रेस रहनुमा मज्जूलाला और शाहीन अकेडमी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर के सादगी से शादी के इनेकाद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर अमल आवारी के इकदाम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। इतना ही नहीं, अवाम और शुरुका ने भी इस इकदाम की सताइश करते हुए मसरत का इजहार किया है और मुसलमानों के लिए उसे एक मिसाल करार दिया है। परभनी से हमारे नुमाइंदे नजीब सिद्दीकी से बात करते हुए शाहीन अकेडमी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर और सपा गृह नेता मोहम्मद समी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक के मुताबिक निकाह अंजाम दिए जाने पर मसरत का इजहार किया है और सभी मुसलमानों को सादगी से शादियां अंजाम देने की तलखीन की है। कबल अज़ी डॉक्टर अब्दुल खदीर, मोहम्मद समी और फौजिया तहसीन खान ने इस इज्तिमाई निकाह तकरीब से खिताब किया। जो 21 जनवरी को जो शादी हुए हैं परवनी के अंदर, जिसके अंदर मेरी एक लड़की की शादी थी, उसके अंदर मैंने मेरे 20 लड़कियों की शादियाँ और जोड़ के 21 शादियाँ करा हूँ, वो भी मेरे बेटे आए। और इसके अंदर एक मैसेज ये भेजना है कि बड़ी शादी और फजूल के खर्चे करने से, अखराज फजूल के पैसे उड़ाने से, वाजे गाजे ये दूसरे तमाशे करने से, उससे अच्छा है कि कोई गरीब की बच्ची की शादी करके दे दो, उसको अपने बेटी के वैसा विदा करो, अपने बेटी के वैसा सब हर चीज़ दो, सामान दो। और ये जो जोड़ा है, दुनिया जब तक चलेंगी, जब तक ये फैमिली चलने वाली है, दो लोगों को मिलाओ, सबसे अच्छा काम है। आज सबसे पहले मैंने करा ये, इसको शादियों को जो पूरे एक शादी के अंदर सब 21 शादियाँ कर लिया हम लोगों ने, तो ये हर समाज के अंदर मैसेज इस तरह से भेजना है। मेरे से जितने भी मुतालिक लोग आए, वो यही सिस्टम से शादियाँ करने वाले गरीबों से,
ये शादियों के वास्ते मांगने वाले लोग रहते वो रहते, आज के बाद वो मांगना नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, उनके शादियों का कैसा नियोजन लगाने का, इसके अंदर हम एक टीम बनाने वाले, वो टीम के थ्रू काम करने वाले, उसके अंदर जहाँ भी शादी मेरे से मुकाबले और मेरे जो सुनने और चाहने वाले लोग हैं वही उसमें ये शादियाँ भी करूँगा इंशाल्लाह आगे। ये जो काम है अच्छा, जो काम है नेक काम है इसको ऊपर वाला एक्सेप्ट करता, ऊपर वाला लेता, और कौन सा काम किससे लेना इसको चुनता भी ऊपर वाला, और ऊपर वाले ने हमारे लोगों को चुना, हमारे मित्र मंडल को चुना, और मेरे बेटी के जरिए 20 बच्चों का घर ऊपर वाले को बसाने का था, मेरी बच्ची उसके अंदर जरिया बनी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे खुशकिस्मत मैं कौन हूँ। बेशक ये बात बोली।